जैसा कि आप सभी को मैंने अपनी वीडियोस में बताया कि हमारी भारतीय रेलवे काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट स्टेप्स तो ले रही है, साथ ही में हमारी भारतीय रेलवे को बिल्कुल वर्ल्ड क्लास यूरोपियन तर्ज पर बनाने में लगी हुई है। अब यहाँ पर हमारी भारतीय रेलवे ने एक और काफ़ी अच्छा स्टेप लिया है। अब हमारी आर्मी से लेकर के चाइना बॉर्डर तक 13 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक को बिछाया जाएगा। वैसे यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो हमारी आर्मीज़ के लिए स्पेशल रेलवे ट्रैक को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, तो इसके लिए ब्रिज, टनल, इन सभी को बनाया जाएगा। और यहाँ पर एक अच्छी बात ये भी है कि इसकी DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और इस मंथ के एंड तक तो ये DPR सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सौंप दी जाएगी। वैसे तो ये रेलवे ट्रैक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भानुपल्ली, बिलासपुर, मनाली, लेह ब्रॉडगेज रेलवे लाइन के अलावा आर्मी के लिए लेह से लेकर के चाइना बॉर्डर तक लगभग 13 किलोमीटर लंबे स्पेशल रेलवे ट्रैक को कंस्ट्रक्ट किया जाना है, जो हमारी आर्मी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही में फ़ायदेमंद भी होगा, जो हमारी आर्मीज़ को गुड्स कैरी करके बाय रोड जो ढोना पड़ता है, तो अब उन्हें ये बाय रोड ढोना नहीं पड़ेगा। इस रेलवे लाइन के कंस्ट्रक्ट होने से वैसे यहाँ पर 5 स्टेशन्स भी होंगे, जिसमें हमारी आर्मी को सामान उतारने के लिए स्पेशल फैसिलिटीज़ दी जाएगी। वैसे एक और बात, लेह में जो ये रेलवे ट्रैक को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, तो ये शेषर धाक के पास एक नदी के किनारे रेल ट्रैक को बिछाया जाएगा। यहाँ पर इस रूट पर रेलवे ट्रैक को कंस्ट्रक्ट करने के लिए काफ़ी मैसिव अमाउंट को खर्च किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए हमारी इंडियन रेलवे 99,000 करोड़ रुपये को खर्च करेगी। इसमें से इस रेलवे लाइन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो ब्रिज और टनल को बनाया जाएगा, तो इसके लिए 62,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी अच्छे खासे एक मैसिव अमाउंट को खर्च किया जाएगा इस प्रोजेक्ट पर। इन स्टेशनों पर लूप लाइन को भी कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जिससे हमारी जो पैसेंजर्स ट्रेन है उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। वैसे दोस्तों, स्ट्रेटेजिक, कमर्शियल और टूरिज्म की दृष्टि से देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, वो भानुपल्ली, मनाली, लेह इस रूट पर रेलवे लाइन को कंस्ट्रक्ट करना है, और जिसकी टोटल लेंथ है 476 किलोमीटर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी आर्मी से लेकर के चाइना बॉर्डर तक एक बार ये रेलवे लाइन के कंस्ट्रक्ट हो जाने से हमारी आर्मीज़ को तो फ़ायदा होगा ही, साथ ही में टूरिज़्म सेक्टर को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा और भी ज़्यादा बूस्ट होते नज़र आएंगे फ्यूचर में। इस बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।